जब आप विद्यालय उन्नयन योजना और ACP में जाएंगे तो आप विद्यालय के सबसे पहले आप विद्यालय को देखेंगे, विद्यालय की बिल्डिंग की बनावट को देखेंगे कि क्या वह बिल्डिंग जो है बच्चों के स्टडी के स्वरूप है, अनुरूप है कि नहीं है। आप जैसे जैसे विद्यालय के अंदर जाएंगे, जिस विद्यालय में आपको ACP मिलेगा या विद्यालय उन्नयन योजना आपको उसी विद्यालय पर बनाना होगा, तो आप वहाँ के कक्षों को भी देखेंगे कि क्या उस विद्यालय में बच्चे के अनुकूल कक्षा है या नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, कक्षा कम है, तो वह जो है विद्यालय उन्नयन योजना में नहीं आ पाएगा, उसकी वो कमी है, तो आप उसे भी ध्यान में देखेंगे। साथ ही साथ जो है लाइट की व्यवस्था को भी देखेंगे। जब आप विद्यालय परिसर में जाएंगे तो वहाँ कक्षा में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लाइट है या नहीं है। उसके बाद जो है विद्यालय के आसपास के वातावरण को देखेंगे कि जहाँ विद्यालय है वहाँ के वातावरण कैसे हैं, अच्छा है या बुरा है। आप उसे भी ध्यान से देखेंगे कि क्या वह विद्यालय जो है आसपास वहाँ के अच्छा वातावरण है ताकि बच्चों को अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा मिल सके। फिर आप जो है विद्यालय के बाथरूम की व्यवस्था देखेंगे कि क्या वह विद्यालय की बाथरूम की व्यवस्था सही है या नहीं है। तो अगर अच्छा है तो अच्छा लिखेंगे, बुरा है तो बुरा लिखेंगे। फिर जो है आप पानी की व्यवस्था देखेंगे। मैं अभी जो जिस विद्यालय में आपको परिक्रमा करा रहा हूँ, यह विद्यालय जो है काफ़ी समय से बंद है, इसीलिए इसकी ऐसी स्थिति है। नहीं तो यह विद्यालय जो है सभी तरह से परिपूर्ण है, इस विद्यालय में सभी व्यवस्था अच्छी है। अब हम कुछ बच्चों से मिलेंगे जो छोटे मोटे बच्चे हैं, यहाँ पर खेलते रहे थे, तो मैंने उन्हें भी इस बच्चों में इंक्लूड किया और ऊपर पॉइंट में लिखा कि बच्चों को खेलने के लिए जो है प्लेग्राउंड होना जरूरी है ताकि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का उत्पन्न हो सके, मानसिक विकास और शारीरिक विकास अच्छी तरह हो जाए। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में कितने अच्छे बच्चे खेल रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में देखा गया इस विद्यालय की सभी व्यवस्था परिपूर्ण है। धन्यवाद।